हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एसी सिस्टम में यूज होने वाले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आरएमएस वैल्यू के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये आरएमएस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आरएमएस वैल्यू क्या है और आरएमएस वैल्यू को किस तरह से जो है फाइंड अप किया जाता है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो या फिर आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले ये जान लेते हैं आरएमएस वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइस, अगर आप आरएमएस वैल्यू का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट के ऊपर काम करते हैं, आप अगर किसी इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो और आप अगर पावर कैलकुलेट करते हो तो उसमें आप जो वोल्टेज और करंट का वैल्यू पुटअप करते हो या फिर आप जो केबल सेलेक्शन करते हो किसी भी फीडर्स के लिए, ये सभी जो है आरएमएस वैल्यू को कंसिडर करते हुए आ रहा है। आरएमएस का पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर। गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो रूट मीन स्क्वायर आखिर ये क्या है। तो गाइस, अगर आप एसी सिस्टम के वेव डायग्राम देखे होंगे तो आपको उसमें पता चलता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट है वो एज ए टाइम के रेस्पेक्ट में जो है चेंज होता है, यानी कि अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में वो चेंज करते रहता है। तो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे कि आरएमएस वैल्यू क्या है वो समझने की अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो गाइस, सपोज आप ये मान लीजिए कि आपके पास जो है एक 50 वोल्ट का सोर्स है और आप उस 50 वोल्ट से एक लाइट को ग्लो करवा रहे हैं और वो जो लाइट है वो 3 एम्स जो है करंट हमारा ले रहा है और ये जो सिस्टम आप लगाए हुए हैं 50 वोल्ट 3 एम्स का, ये जो है डीसी सिस्टम है। तो इस डीसी सिस्टम के लिए अगर आप पावर को कैलकुलेट करेंगे तो पी इक्वल टू वीआई होगा और वीआई के जगह में अगर आप वोल्टेज और करंट को पुट अप करेंगे तो आपके पास जो है 150 वाट जो है पावर निकल जाएगा इस डीसी सिस्टम के लिए। जैसे कि डीसी सिस्टम में हम लोग पावर का कैलकुलेट किए तो ये जो है बहुत आसान तरीके से हम लोग पावर का कैलकुलेट कर सके, क्योंकि ये जो डीसी सिस्टम होता है इसका अगर आप वेव डायग्राम देखेंगे तो ये जो है एज टाइम के रेस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं होता है। यानी कि मेरा बोलने का मतलब है वोल्टेज और करंट जो है कांस्टेंट एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है, जिसके वजह से हमें जो है एक एक्यूरेट वैल्यू मिल जाता है और हम लोग जो है उस चीज़ को यानी कि पावर को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अब ये सेम फैक्टर यानी कि 50 वोल्ट और 3 एम्स जो है एसी सिस्टम में अगर लाया जाए तो इस एसी सिस्टम में आप जो है पावर का कैलकुलेट 50 वोल्ट को लेकर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एसी सिस्टम है ये एसी सिस्टम का अगर आप वेव डायग्राम देखेंगे तो ये वेव डायग्राम से आपको ये पता चलता है कि हमारा जो वोल्टेज और करंट है जो एज ए टाइम के रेस्पेक्ट में जो है चेंज होते रहता है। यानी कि अगर हमारा वोल्टेज 0 से स्टार्ट होकर के वो 10, 20, 30, 40 और 50 यानी कि पिक पर जाता है और फिर से वो जो है डिक्रीज होते हुए 0 पे आता है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंप्लीट करता है, फिर से वो जो है नेगेटिव हाफ साइकिल में आ जाता है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हम लोगों को पावर कैलकुलेट करना है तो हम लोग कौन सा वोल्टेज को लेंगे, 10 वोल्ट को लेंगे, 20 वोल्ट को लेंगे, 30 या फिर जो पीक वोल्टेज यानी कि जो 50 वोल्ट है उस चीज़ को लेंगे। आप अगर पीक वोल्टेज 50 को लेके चलेंगे तब भी आपके पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो पीक वोल्टेज ये जो है कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए रहता है। तो इस जगह में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है एसी सर्किट के लिए पावर कैलकुलेट करने में, इसके वजह से हम लोग जो है ये आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ आरएमएस वैल्यू जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। गाइज, मैं एग्जांपल के लिए 50 वोल्ट को ही लेता हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ये जो 50 वोल्ट हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 10, 20, 30, 40 और 50 पीक तक जाकर के फिर से वो 0 में आ रहा है। गाइस, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गया है 0 से 50 के बीच में, इन सभी को जो है आपको सेपरेट एक जगह में लिख लेना है। आप सपोज ऐसे लिख सकते हैं V1 इक्वल टू 10, V2 इक्वल टू 20, V3 इक्वल टू 30, V4 इक्वल टू 40 और V5 इक्वल टू 50। गाइस, ये जो V5 ये जो 50 है ये पीक वैल्यू है। अब ये पीक वैल्यू पे जा करके फिर से वो जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि V6 इक्वल टू 40, V7 इक्वल टू 30, V8 इक्वल टू 20, V9 इक्वल टू 10 और फिर से जो है ये 0 पे आ जाएगा। अब ये जितना वैल्यू हमको मिल गया है यानी कि जो 10 वैल्यू मिला है V1 से लेकर V10 तक का, इन सभी को जो है सबसे पहले आपको स्क्वायर करना है। गाइस, हमारे पास ये जो वैल्यू आया है V1 से लेकर के V10 तक, इन सभी का स्क्वायर करके अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलता है 8500। अब ये 8500 जो निकला इसका जो है हम लोगों को निकालना पड़ेगा मीन। मीन का मतलब होता है एवरेज। अब एवरेज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ये जो आरएमएस का पूरा नाम है रूट मीन स्क्वायर, अगर हम लोग उल्टे तरफ से फाइंड करते हुए आएंगे तो हमें आरएमएस वैल्यू निकलेगा। तो जैसे कि हम लोग क्या किए, सबसे पहले स्क्वायर किए तो रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब स्क्वायर के बाद जो है मीन कर रहे हैं, मीन का मतलब होता है एवरेज। तो ये जो हमको हम लोगों को मिला है ये जो 8500 है इसका मीन निकालेंगे तो हम लोगों को जो है इसे 10 से डिवाइड देना पड़ेगा और 10 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो हम लोगों के पास आएगा 800
50। अभी 850 जो है हम लोगों के पास आ गया है एवरेज वैल्यू यानी कि मीन वैल्यू। और ये जो मीन वैल्यू हम लोगों के पास आया है इस मीन वैल्यू को अगर हम लोग रूट अंडर कर देंगे तो हम लोगों के पास आ जाएगा 29.5 वोल्ट। भाई आप अप्रोक्स 30 वोल्ट जो है मान सकते हैं। और ये 30 वोल्ट के हिसाब से आप अगर पावर का कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो जो है एक करेक्ट वैल्यू रहेगा। और इसी को जो है RMS वैल्यू बोला जाता है और इसी तरह से जो है RMS वैल्यू को निकाला जाता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको समझा सका कि आखिर ये जो RMS वैल्यू क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से जो है इसे फाइंड अप किया जाता है। तो गाइस मेरे बताने का टेक्निक अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको भी पता चल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।